द असैसिन, जिसका ओरिजिनल नाम है नाइट ऑफ द असैसिन। दोस्तों ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है जो कि लगभग 1 घंटा 41 मिनट की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मिनट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है एक असैसिन पे जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होता है और इस बीमारी के कारण वो ज्यादा लड़ नहीं सकता और उसको एक जड़ी बूटी की तलाश होती है, यानी कि जब उसे वो जड़ी बूटी मिलेगी तभी वो थोड़ा बहुत ठीक हो पाएगा। अब दोस्तों उसकी जो जर्नी होती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है जड़ी बूटी की तलाश में। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या उसे वो जड़ी बूटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और क्या उसकी जो बीमारी है उससे ठीक होगी भी या नहीं होगी, और क्या वो आगे लड़ सकेगा या नहीं लड़ सकेगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो मूवी की कहानी में कुछ भी ज़्यादा नया देखने को आपको नहीं मिलेगा और ज़्यादातर मूवी के अंदर आपको ड्रामा ही दिखाया जाएगा, यानी कि आपको जो एक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच के जा रहे हो ये मूवी देखने की आपको एक्शन ही एक्शन ताबड़तोड़ मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी की कहानी एक सिंपल वे में शुरू होगी और सिंपल तरीके से खत्म हो जाएगी। हाँ बीच बीच में आपको कुछ ऐसे एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और ये जो असैसिन होता है, हालांकि इसे बीमारी तो होती है लेकिन ये कहीं कहीं पर लड़ता भी है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कराएगा। आप इस सोच में पड़ जाओगे कि भाई इसको तो बीमारी थी और अगर बीमारी है तो ये लड़के से रहा है, तो यही जो चीजें होंगी ना आपके दिमाग के साथ खेलेगी। और बाकी अगर मैं करेक्टर्स की बात करूं तो सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप उनकी एक्टिंग से कनेक्ट हो जाओगे। बाकी जो मूवी का स्क्रीन प्ले है, हो सकता है आपको कहीं कहीं पर बोरिंग जैसा फील हो। शुरू में आधे पौने घंटे तक तो ये मूवी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन उसके बाद में आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब ये आपके ऊपर है, आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी। मुझे ये मूवी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।